हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जेईई मेंस फिजिक्स में आप कैसे 99% ला सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको लास्ट 90 डेज में करना चाहिए और आपको कहां से करना चाहिए, सब डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, और जो जो चीज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा वो अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका फिजिक्स में 99.5 से भी ज्यादा परसेंटेज ला सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई 2024। ये ऐसे 7 चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ये 7 चैप्टर्स आप अराउंड 3 to 4 डेज में कवर कर सकते हैं। फास्ट है, यूनिक डायमेंशन एंड एरर, एक क्वेश्चन पर शिफ्ट गारंटीड है और पूरा इजी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 4 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। सेकेंड है स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, 4 मार्क्स इधर भी आपका सिक्योर हो जाएगा। थर्ड है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 4 मार्क्स। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 4 मार्क्स। फिफ्थ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 4 मार्क्स। सिक्स है ईएमओएस, 4 मार्क्स। और सेवेंथ है कम्युनिकेशन सिस्टम, 4 मार्क्स। तो ये 7 चैप्टर्स मिला के आप अराउंड 20 से 24 मार्क्स पर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में कितना आता है इससे क्वेश्चंस, बट 20 मार्क्स आपका गारंटीड सिक्योर हो जाएगा इन 7 चैप्टर्स में। और ये 7 चैप्टर्स आपको हार्डली 3-4 दिन लगेगा कवर करने में। कहाँ से करना है और कौन कौन से मटेरियल सॉल्व करना है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये 7 चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, हर हालत में इसको करना ही है, चाहे जितना भी सिलेबस कवर हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये 7 टॉपिक्स तो आपको करके जाना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक चैप्टर्स यू मस्ट कवर। तो आगे मैं आपको 10 to 11 चैप्टर का लिस्ट देने वाला हूँ, जो चैप्टर्स आपको करना है वो मेन चैप्टर्स है जो आपको करके जाना है फिजिक्स में। तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, ये आपको आना चाहिए तभी वो चैप्टर्स आपको समझ आएगा। तो ये 5 चीजें देख लीजिए और इससे भी आपका अराउंड 8 से 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये प्री रिक्विजिट है तो इससे क्वेश्चन ही नहीं आता है, बट इससे क्वेश्चन भी आएगा और उस चैप्टर का बेस भी आपका स्ट्रांग होगा। तो ये 5 चैप्टर्स आपको पहले करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो मैं लिस्ट देने वाला हूँ आपको, वो लिस्ट के जितने भी चैप्टर्स है उधर वो आपको करना है। फर्स्ट है वेक्टर्स, 4 मार्क्स। सेकंड है काइनामेटिक्स, 4 मार्क्स। थर्ड है रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल, 4 मार्क्स। प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत क्वेश्चन आता है आजकल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रोजेक्टाइल आपको अच्छे से करके जाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। फोर्थ है एनएलएम का बेसिक्स, जस्ट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि हाई फाई लेवल का कोई सवाल आप करने लगे, जस्ट बेसिक अगर आपको आएगा तो बाकी चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स या जहां भी इसका काम आएगा उधर आप कर लोगे, तो इसलिए एनएलएम का बेसिक्स जरूरी है। फिफ्थ है सर्कुलर मोशन फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया या फिर कोई भी और चैप्टर उधर सर्कुलर मोशन का बहुत यूज आता है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेसिक, और वाट पर एनर्जी का बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये 5 चीजें आपको पहले कर लेना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये 11 चैप्टर्स आपको हर हालत में करके जाना, ये 11 चैप्टर्स से 70 से 80 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। जितना भी चैप्टर्स मैं इधर मेंशन किए ये अगर आप कर लेंगे ढंग से तो आपका फिजिक्स में 99.5 से भी ज्यादा परसेंटेज आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप कर लीजिए, जहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिए, लास्ट 90 डेज बचा है, अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से उसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स 12 to 16 मार्क्स, ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसे 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेटेज है मॉडर्न फिजिक्स का जेईई मेंस में। सेकेंड है केटीजे थर्मोडायनामिक्स, अराउंड 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, 12 मार्क्स। फोर्थ है ग्रेविटेशन, 4 मार्क्स। तो ये ऑर्डर में ही आप करना है, ऐसा नहीं कि इससे आप चूज करें, मैं उस ऑर्डर में ही इसको अरेंज किया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन का मोस्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर हो जाएगा, तो अलग से आपको ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगर आप ग्रेविटेशन करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपका ग्रेविटेशन कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करिए और ऐसे ऑर्डर में आइए, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, ऐसे करते जाइए जितना कवर हो पाए दिसंबर एंड तक उतना करिए, उसके बाद आप रिविजन करना। फिफ्थ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 8 मार्क्स। सिक्स है एसी, 4 मार्क्स। सेवेंथ है सेमी कंडक्टर्स, 4 मार्क्स। एथ है एसएचएम, ओएफएक्स और ऑप्टिक्स। ये 3 चैप्टर थोड़ा इंटरलिंक्ड है और एक क्वेश्चन पर चैप्टर आता है, तो 3 क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स हो गया। नाइन्थ है थर्मल प्रॉपर्टीज और हीट ट्रांसफर, 8 मार्क्स। और टेंथ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4 मार्क्स। रोटेशन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके चाहिए, इससे ही 80% क्वेश्चन आते हैं। रोटेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं टोटल, एक आपका जैन अटेम्प्ट में जितना भी आएगा उसमें से 80% क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को करके जाइए, अगर आप रोटेशन छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करते जाना। 11th है इलेक्ट्रिसिटी, 4 मार्क्स। तो ये चैप्टर्स आप कर लीजिए आपका, इधर अगर मैं मान के चलूँ मिनिमम तो 70 मार्क्स हो गया उधर, और उधर मैंने बोला
पहले के ये 7 चैप्टर्स, इधर आपका हो गया 20 मार्क्स, तो 90 मार्क्स तो आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप 100 में से 90 मार्क्स ला देते हैं तो आपका तो 99.9% भी बन जाएगा फिजिक्स में, 90 से ज्यादा आपका आ सकता है। मैंने इसमें मैकेनिक्स नहीं इंक्लूड किया हो, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, मैकेनिक्स पूरा छोड़ दिया, बस आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे मैंने बोला इसका क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बस 12th का क्वेश्चन मैंने पूरा मेंशन किया, 12th का क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फिजिक्स में अराउंड 60% क्वेश्चन क्लास 12th से आता है, तो क्लास 12th का आपका दोनों में ही फायदा हो जाएगा। बोर्ड्स भी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रेशर्स होंगे तो उनके बोर्ड्स भी है, तो उसमें भी काम आ जाएगा और इधर जेई में भी काम आ जाएगा। तो 60% क्वेश्चन उधर से बन गए, और 11th के सारे चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिया, 12th के भी मेंशन कर दिया, रोटेशन मैकेनिक्स पूरा छोड़ दिया हूँ मैं, और भी बहुत चैप्टर्स हो गया, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ये भी मैंने करने के लिए नहीं बोला, बट फिर भी आप 100 में से 90 मार्क्स फिजिक्स में सिक्योर कर सकते हैं। यही है एनालिसिस, तो इसको फॉलो करिए, 11 चैप्टर्स ये कर लेना और 7 चैप्टर्स जो पहले मैं बताया, जो टॉपिक्स है बेसिकली, चैप्टर्स नहीं है, तो उसको करके जाना है, तो आपका फिजिक्स में 80 to 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 गारंटीड है। और अब मैं बात करूंगा कि कहाँ से आपको करना है, तो रिसोर्सेज टू फॉलो। तो फास्ट देखिए, अगर आपके पास टाइम है सफिशियंट, अगर आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, तो आप एबीजे सर को फॉलो कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन, मोहित त्यागी सर को आप जानते होंगे, उनके चैनल में जो फिजिक्स के टीचर है एबीजे सर, वो भी फेमस है बहुत, तो एबीजे सर को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है तो इनको फॉलो करिए, या फिर जहां से भी आप बाकी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उनसे ही फॉलो करिए, अभी टीचर चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है हर चैप्टर का, तो आप डायरेक्ट एडुनिटी के लेक्चर्स देख सकते हैं, एडुनिटी मोहित गोयनका सर को आप जानते होंगे, इनका रिविजन प्लेलिस्ट बहुत फेमस है, तो एडुनिटी को आप डायरेक्ट फॉलो करिए, एक एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट उठाए और खत्म करते जाइए, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा है कि बेस बिल्कुल जीरो है, फिजिक्स आपका बहुत वीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि अलग सर उम्मीद बैच देखना है, इसका लेक्चर देखना है, और उसके बाद एडुनिथी पे जो प्लेलिस्ट है वो देखना है। ये दो चीज अगर आप कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपसे बन जाएगा गारंटी, और नहीं तो आप डायरेक्ट एवीजे सर के लेक्चर भी देख सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम है, जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आपको चूज करना होगा। ये दो ऑप्शंस मैं आपको बता दिया, और इसके साथ साथ जो मस्ट है बिल्कुल वो है PYQs 21 से 23, ये तो करना ही करना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आएंगे, इधर ही थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके वो लोग इस बार भी देंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 21 से 23 75 पेपर्स हो चुके हैं, 75 पेपर्स में से जो उनको पूछना था वो सब पूछ चुके हैं, अभी बस वही घुमा फिरा के ये लोग इधर उधर करके पूछते हैं। तो PYQs तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 से 23 करना मस्ट है आपके लिए। तो PYQ उसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन के बुक फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास है बुक तो उसको फॉलो करिए, अगर आप बुक से करें तो उधर आप मार्क कर सकते हैं, तो अगर आपको खरीदना है तो दिशा पब्लिकेशन का बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगा, तो उधर से आप जा सकते हैं, नहीं तो जिससे भी आप कर रहे थे उससे करिए, लेकिन PYQs करना मस्ट है, 21 से 23 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसी एक मटेरियल को आपको फॉलो करना है, पहले लेक्चर देखना है और उसके बाद PYQs करना है, और लास्ट में शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना है। तो ये तीन चीज अगर आप कर लेंगे तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, और ऐसे ही मैंने जितने भी चैप्टर्स मेंशन किया ऐसे कंप्लीट करते जाइए, तो आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा, फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, मेंस में तो आप फिजिक्स में 80 to 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर लेंगे। तो आप बात करते हैं रिविजन कहाँ से करना है, तो रिविजन के लिए ये दो वीडियोस है, जैन में अगर आपको रिविजन करना है कोई भी चैप्टर तो ये दो वीडियोस आप देख सकते हैं, ये इसका लिंक मैं पिन कमेंट पे डाल दूंगा, लिंक इन पिन कमेंट। एडुनिटी का लेक्चर है 4 घंटे में 11th और 4 घंटे में 12th, टोटल 8 घंटे में पूरा फॉर्मूला रिविजन है, और इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा रिविजन के दौरान। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा इधर से, जब आप रिविजन करेंगे मतलब जैन में ये दो वीडियोस आपको देखना है, अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो, और इसका लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा तो वहां से चेक कर लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ अवेलेबल इन दिस टेलीग्राम, गौरव रॉय नाम से है, टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट पे दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट पे दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके गौरव रॉय, तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो पिन कमेंट पे सारे लिंक्स अवेलेबल है, पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना हर वीडियो में, क्योंकि उधर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए दिया हुआ होता है, तो पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, पिन कमेंट पे ही मैं सारे लिंक दे दूंगा, तो उधर से ही आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम पे जाके आपको एक फ्री मेंटरशिप ग्रुप भी मिलेगा, उधर आपको मैं ऐड कर लूंगा, तो उधर आपको जो भी डाउट आता है प्रिपरेशन के टाइम उसका सॉल्यूशन मैं खुद सबको रिप्लाई करता हूँ हर दिन, तो आपके सारे डाउट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व हो जाएगा मेरे द्वारा। मैं ऐसे ही वीडियोस पहले बना चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और कहाँ से करना है सब कुछ बता दिया हूँ, बहुत लोग फिजिक्स के लिए मांग रहे थे तो वो भी आज बता दिया, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 90% से ज्यादा लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। तो अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्प करता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबको मैं रिप्लाई करता हूँ तो आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।